स्पाइसेस वालों के लिए जो आप लोग आपके लोगों की ज़िंदगी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारियां हैं, और ऐसी ज़िम्मेदारियां हैं जो आपने लोगों का भी बोझ अपने ऊपर उठाया होता है। तो इस बोझ को जो आप लेके चल रहे हैं, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, इसमें आपको इन हालात में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, ये बोझ उठाया नहीं जा रहा था। इसके हल के लिए आप जो भी तरीका इख्तियार कर रहे थे, चाहे वो सही था चाहे गलत था, जो आपकी नज़र में अगर ठीक भी था या गलत था, तो उस तरीके से आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। तो अब आपने उस डायरेक्शन को चेंज करना शुरू कर दिया है। आपने सोचा है कि मैं जिस सिमत पे जा रहा हूँ, उस सिम से मुझे वो कामयाबियां नहीं मिल रही जो कामयाबियां आपको और तरीकों से मिल सकती हैं, वो तरीके जो आप जानते हैं, वो तरीके जो आपने पहले ज़िंदगी में गुजारे हुए हैं, वो तरीके जिनसे आपने ज़िंदगी में कामयाबियों की जो है वो उम्मीदें बांधी हुई हैं, तो आप वो रास्ते तब्दील कर लेंगे जो रास्ते आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, उन रास्तों से जहां आपसे चीटिंग होती थी, वो रास्ते जहां से आपको मुश्किलें आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, अब आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, आप हालात बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, और इस मेहनत और स्ट्रगल में आपके ऊपर जो बोझ है, जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, वो कम होंगी, और इन जिम्मेदारियों के कम होने से फिर आप रिलैक्स हो जाएंगे। इस वक्त आप शदीद दबाव का शिकार हैं, इस दबाव के शिकार होने की वजह से मुश्किलें पड़ी हुई हैं। आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन 110 मरतबा अगर आप ईशा के बाद पढ़ लेते हैं, तो उससे बेहतर ये होगा कि ये जो आपके ऊपर बर्डन है, कामों का बर्डन और चीज़ों का बर्डन, ये काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ ले जाएगा आपको।